गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अप्लाइड मैकेनिक्स और इसमें हमारा सेकंड चैप्टर चलेगा संतुलन या साम्यवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विलिब्रियम। देखो छात्रों, क्या होता है जब किसी एक बॉडी पर बहुत सारे बल लग रहे हैं और उन सभी बलों के बावजूद उस बॉडी पर जो परिणामी बल है उसका मान जीरो है, तो वो बॉडी है उस साम्यवस्था की स्थिति में, मतलब संतुलन की अवस्था में है। और संतुलन की अवस्था में बॉडी अपनी जगह पर बनी रहती है, उसके ऊपर कोई सा भी फोर्स किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगता है, जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी जगह पर बनी रहती है। तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती रहती है जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह टिकी हुई हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर इस कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे चारों तरफ बहुत सारे बीम लगे हुए हैं, इन बीम के ऊपर इस पूरे कॉलेज का भार लगा हुआ है, मतलब इतना भारी वजन है, तो नीचे की ओर लग रहा होगा इनका वजन, लेकिन इसके विपरीत ये पिलर ऊपर की ओर उतना ही वजन लगा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये संतुलन में है ना, तो ये बिल्डिंग ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर लगने वाले सभी बलों का जो परिणामी मान है वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इक्विलिब्रियम है, मतलब साम्यवस्था या संतुलन, इसकी परिभाषा क्या होगी, जब बॉडी पर लगे कुल बलों का मान शून्य हो तो बॉडी संतुलन या साम्यावस्था में होती है। साम्यावस्था में बॉडी गतिविहीन या स्थिर गति से मूव करती है, स्थिर गति से चलती है आगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब बॉडी विरामावस्था में होती है तो वह ट्रांसलेशन साम्यावस्था में होनी चाहिए। इस स्थिति में बॉडी पर लगने वाले बल संतुलित नहीं होने चाहिए। जब बॉडी पर लगने वाले बल असंतुलित नहीं होते तो बॉडी पर लगने वाले बलों का सदिश योग शून्य होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे साम्यावस्था के प्रकार। साम्यावस्था के प्रकार टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, देखिए साम्यावस्था जनरली दो प्रकार की होती है। कैसी होती है, तो यहां पर टाइप फर्स्ट है इसका, पहले प्रकार जो होगा वो होगा स्टैटिक संतुलन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम लिख देता हूं मैं, स्टैटिक, चलिए इसमें भी पहला है स्टैटिक संतुलन, देखिए यदि बॉडी गतिशील न हो और उस पर लगने वाले कुल बल तथा आघूर्ण का मान शून्य हो तो बॉडी स्थैतिक संतुलन में होती है, मतलब बॉडी रुकी हुई है और उसके ऊपर लगने वाले सभी बलों का मान जीरो हो तो बॉडी क्या होती है, स्थिर संतुलन की अवस्था में होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लगने वाले सभी बलों का मान, मतलब योग जीरो होना चाहिए, उसके ऊपर लगने वाले सभी आघूर्णों का योग भी जीरो होना चाहिए, मतलब सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो, और वस्तु रुकी हुई है इसका मतलब वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए, वेग भी जीरो होना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है स्टैटिक संतुलन, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट बात करें हम दूसरे नंबर में, तो ये होता है गतिक संतुलन, गतिक संतुलन मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यहां पर देखिए जब बॉडी गतिशील हो तथा उस पर लगने वाले बल तथा आघूर्ण का मान शून्य और बॉडी गतिक संतुलन में हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर लगने वाले सभी बलों का मान जीरो होना चाहिए और उस पर लगने वाले सभी आघूर्णों का मान जीरो होना चाहिए, लेकिन जो वेग है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब गाड़ी चल रही हो या वस्तु सरक रही हो अपनी जगह से और उसके ऊपर लगने वाले बलों का और आघूर्ण का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या होगा, गतिक संतुलन होगा। देखिए ये जो गतिक संतुलन है ये बड़ी मुश्किल से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये गतिक संतुलन देखिए क्या होगा, कोई वस्तु अगर रोड पर चल रही है इसका मतलब उस पर कोई ना कोई भार बल लग रहा है जिसकी वजह से वो आगे की ओर चल रही है। अगर हम बात करें एक चौक को ऊपर से नीचे से डालें तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की ओर बल लग रहा है, तो उसके ऊपर बल लग रहा है, मतलब बल का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। तो ये चीज वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन लगाकर यहाँ पर इसको पॉसिबल किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें हम सेकंड टाइप की, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर,
टाइप सेकेंड। देखिए अब हम दोनों को मिलाकर, अगर वस्तु रुकी हुई है या चल रही है, उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम स्टेट निकालते हैं। तो इस आधार पर पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब स्थिर संतुलन, स्थिर संतुलन मतलब वस्तु रुकी हुई है और संतुलन की अवस्था में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। तो इसके लिए देखो, जब एक बॉडी स्थिर संतुलन में होती है तो क्या क्या कंडीशन होती है। पहली, बॉडी प्रारंभिक स्थिति में स्थिर संतुलन की अवस्था में होती है, मतलब शुरू में बॉडी रुकी हुई है और संतुलन की अवस्था में है। दूसरा, जब बॉडी को हल्का सा विस्थापित किया जाता है तो उसमें अतिरिक्त बल सेटअप हो जाता है जिससे बॉडी वापस मूल अवस्था में आ जाती है। ऐसे है जैसे एक इस तरह से है, एक कटोरा रखा है इस तरह से बोल, उसके अंदर हम यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है ना, उस बॉल पर हल्का सा धक्का मार दे तो ये बॉल इधर जाएगी फिर यहाँ से वापस आएगी, धीरे धीरे जाते जाते आते आते बिल्कुल ये कुछ देर में यहाँ पर आकर रुक जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब वस्तु, मतलब गेंद है वो इस तरह थोड़ी देर दोलन करेगी और वापस आके रुक जाएगी। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल बताया मैंने आपको कि एक गोल चीज के अंदर अगर हम बॉल को थोड़ी देर छोड़ेंगे तो घूमने के बाद में कुछ देर में वापस आके रुक जाएगी अपनी जगह पर। दूसरा एग्जाम्पल है पेंडुलम वॉच, पेंडुलम वॉच का सेल खत्म होने के बाद वो नीचे लटक जाता है ना, कि ना तो उधर रुकता है ना उधर रुकता है, ये रुकता है बीचों बीच। तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, बच्चों को झूला, ठीक है, झुलाने के बाद में कुछ देर बाद में अगर झूला देना बंद कर दें तो वो भी अपनी एक जगह पर आकर रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थिर संतुलन। देखिए कैसी कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो अगर हम किसी वस्तु के ऊपर थोड़ा धक्का मार दें और धक्का देने के बाद में वो अपनी पूर्व अवस्था में कभी नहीं आए, उसको बोलते हैं अस्थिर संतुलन। इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे नदी में बोट है वो चल रही है, अगर हम उसके ऊपर जोर से नहीं एक तरफ मार दिया, धक्का मार दिया, तो अगर वो पलट गई, पलटने के बाद वो दोबारा कभी सीधी नहीं होगी, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या होगी, अस्थिर संतुलन। और अगर हमने उसके ऊपर हल्का सा मारा और वो ऊंचे नीचे होने के बाद में वो फिर से सीधी हो गई तो स्थिर संतुलन की स्थिति हो गई, जोर से मार दिया पलट गई तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा अस्थिर संतुलन, ठीक है। और तीसरा देखिए, तीसरा है उदासीन संतुलन, उदासीन संतुलन। इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए एक बॉडी उदासीन संतुलन में होती है यदि बॉडी प्रारंभिक स्थिति में संतुलन अवस्था में थी, शुरू में वो संतुलन अवस्था में थी। दूसरा, प्रारंभिक स्थिति में हल्के विस्थापन पर कोई बल सेटअप नहीं होता, मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा बल लगाएंगे तो कोई बल सेटअप नहीं होगा। ऐसे जैसे एक सीधी फर्श है उसके ऊपर ये बल गेंद रखी हुई है और यहाँ पर एक गेंद ये रखी हुई है, शुरू में संतुलन अवस्था में है, इसके ऊपर हमने हल्का सा फोर्स लगाया जिसकी वजह से सरकी नहीं, ठीक है। तीसरा, अगर हमने उस ऊपर ज़्यादा जोर लगा दिया तो ये आगे सरक तो गई लेकिन वापस अपनी जगह पर नहीं आई, तो जहाँ पर जाकर शोर रोका वो वहीं पर जाकर रुक गई। तो ये होती है स्थिर संतुलन। अस्थिर संतुलन में क्या होता है, वस्तु कुछ इस तरह से रुकी होती है, यहाँ पर हमने इसके ऊपर थोड़ा धक्का मार दिया तो ये अपने आप ही गति पकड़ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपनी कंडीशन में दोनों में नहीं आ पाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, यहाँ पर कम फोर्स में काम होता है, बस ये इसमें मेन अंतर है, ठीक है। और मतलब एक तरह से ये जहाँ पर जाकर रुकती है वहाँ पर अपना संतुलन बना लेती है, इसका संतुलन बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हो गया एक तरह से क्या, इक्विलिब्रियम और साम्यावस्था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे साम्यकारी बल की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साम्यकारी बल। इक्विलिब्रियम फोर्स, देखिए ये बल वो होता है जो हम किसी वस्तु पर कोई बल लगा दे और बल लगाने के बाद में वस्तु अपनी स्थिति से डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब अपनी जगह से सरक जाती है। तो अपनी पहले की स्थिति में लाने के लिए एक हमारे द्वारा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, उस बल को बोलते हैं साम्यकारी बल। जैसे मैंने ये चौक ऊपर की ओर उठाला कुछ इस तरह से, ठीक है, तो मैंने बल लगाए नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन इस चौक के अंदर जो भार था वो नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण की ओर
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे की ओर लगेगा। तो जो मैंने ऊपर के लिए और लगाया बल था उसके विपरीत लगने वाला बल कौन सा था? गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? साम्यकारी बल होगा। ठीक है, इस तरह से जो मान ली इलास्टिक है, इलास्टिक आप जानते हो गुलेल वगैरह होते हैं, उसमें खींचते हैं इस तरह से, तो हमने उसको खींचा, तो खींचने पर तो हमने जो बल लगाया उसके अलावा उसमें उसके अंदर जो उसका कॉन्स्टेंट था के उसके की वजह से जो उसमें खिंचाव बल लगा, मतलब एक तरह से मानो रबड़ के अंदर जो खिंचाव बल लगता है वो साम्यकारी बल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा तीसरा, मुक्त पिंड आरेख। मुक्त पिंड आरेख, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए क्या होता है, कोई भी वस्तु जिसके ऊपर बहुत सारे बल लग रहे हैं, है ना, उन बलों को हम एक ऐसी आकृति बनाएं जिसमें हम सिर्फ बलों बलों को दिखाएं, वस्तु के बारे में हम कम से कम दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बलों को ही दिखाएं। तो ऐसे जो चित्र बनेगा उसको हम थ्री बॉडी डायग्राम बना बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक ही नोज लिया, ठीक है, एक खांचा है ये, इसके अंदर मैंने एक भारी भरकम लोहे का कुची रख दी, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसके भार की वजह से इसके ऊपर कहाँ कहाँ पर कितना बल लग रहा है, उस बल को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। जैसे ये है, इसकी इस सतह के ऊपर एक बल लग रहा है, इस सतह के ऊपर एक बल लग रहा है, नीचे की ओर एक डब्लू काम करता है, यहाँ पर इन सब के विपरीत एक बल लग रहा है ऊपर की ओर, और जो इसको अपनी जगह पर रोके हुए है। तो यहाँ पर इस वस्तु पर मतलब इस पॉइंट पर यहाँ पर तीन बल कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ बलों को दिखाया, बाकी किसी चीज़ को नहीं दिखाया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपकी बुक में क्या बोल रखा है इसके बारे में, मैं वो आपको बता देता हूँ। यह शब्द सामान्यतः मुक्त पिंड आरेख फ्री बॉडी डायग्राम के साथ प्रयुक्त होता है। यह एक पिक्टोरियल उपकरण है। पिक्टोरियल उपकरण मतलब एक तरह से पिक्चर देखकर उसके बारे में बताना, जिसका प्रयोग भौतिक विधों तथा इंजीनियरों के द्वारा किया जाता है। एक पिंड को मुक्त तब कहा जाता है जब उसे गति या स्थितिक विश्लेषण के लिए अन्य निकायों से बाहर निकाला जाता है, मतलब बाकी पूरे सिस्टम है उनसे बाहर निकालकर उसकी स्टडी की जाती है। तो देखिए, मुक्त पिंड आरेख वह आरेख है जो किसी पिंड पर दी गई स्थिति में लगने वाले सभी बलों की दिशा एवं परिमाण दर्शाने के लिए उपयोग होता है। ऐसे आरेख में उस वस्तु पर लग रहे सभी ज्ञात एवं अज्ञात बल, प्रतिक्रिया आदि बताए जाते हैं। किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों के द्वारा साम्यावस्था की स्थिति का अध्ययन करने के लिए पिंड को भारी वस्तुओं के द्वारा जैसे रस्सी, सतह, स्प्रिंग, भूमि आदि से विच्छेद या आइसोलेट किया जाता है और उनको प्रतिक्रिया बलों के द्वारा हटाया जाता है जो कि पिंड पर लगे होते हैं। यह विच्छेदन ही मुक्त पिंड आरेख है। यहाँ एक चित्र बना रहा हूँ मैं आपको इस तरह से, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर दिखाने के लिए है। यहाँ पर दो स्टील के गोले रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए दो स्टील के गोले रखे हैं, इनका हम ए और बी नाम देते हैं, ठीक है, तो रखी हुई हैं इन पर, यहाँ पर इसके केंद्र पर डब्लू वन और इसके केंद्र पर डब्लू टू भार कार्य करेगा, नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, बोल पर सी डी और ई संपर्क बिंदु है, मान लीजिए सी है, ये डी है और ये ई बिंदु है, यहाँ पर ये इस पात्र को छू रहे हैं। ठीक है, आपस में बिंदु एफ पर ये एक दूसरे से टच करते हैं, यहाँ पर एफ बिंदु पर एक दूसरे को टच करते हैं। इस संपर्क बिंदु पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया होगी, यहाँ पर इसका बल इसके ऊपर लगेगा, इसका इसके ऊपर लगेगा, मतलब यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया होगी। बॉल बी पर लगने वाली क्रिया और बॉल ए पर लगने वाली प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं, मतलब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे अगर ये संतुलन में है तो। अब बॉल ए को बर्तन से अलग किया जाता है। अब उसके बाद में जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो एक बॉल को अलग किया जाता है और यहाँ पर इसके ऊपर लगने वाले बलों को हम रिजोल्व करते हैं कि इसके ऊपर कितना फोर्स नीचे को लग रहा है, यहाँ पर कितना लग रहा है, यहाँ पर कितना लग रहा है। उसी प्रकार से फिर इसका करने के बाद में इसका यहाँ पर नीचे को कितना बल लग रहा है, इधर नीचे की ओर कितना लग रहा है, इसके ऊपर कितना बल लग रहा है, इन सभी बलों को हम एक दूसरे के साथ में रिजोल्व करते हैं। तो ये था हमारा फ्री बॉडी डायग्राम।
अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो लामी प्रमेय होगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप इस वीडियो चैनल पर देख रहे हैं, जैसे SDIIT एकेडमिक चैनल पर देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग के और डिप्लोमा के सभी विषयों के सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, और शायद आपको मिल भी गए होंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है। और बेल आइकन भी जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद में, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।